आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से दूध के पेड़े, और वो भी दो तरीके के। रक्षाबंधन आ रहा है फ्रेंड्स, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो आप कोई भी ओकेशन पे और जब भी आपका दिल करे ये पेड़े जो हैं झटपट बन जाते हैं, तो बना के खा सकते हैं। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब फ्री है फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। तो आज हम फ्रेंड्स दूध के पेड़े बनाएंगे। दूध के पेड़े बनाने में बहुत समय लगता है, बट आज हम दूध पाउडर की सहायता से दूध पेड़े बनाएंगे, जो कि बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। तो दूध पेड़े बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे दूध पाउडर लिया है। मैंने फ्रेंड्स इस टाइप के दूध के पैकेट्स लिए हैं, आप ये कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं, तो बहुत जनरल स्टोर में बहुत ही आसान से ये पैकेट्स जो है मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो 1 कप के करीब यहाँ पे दूध पाउडर लिया है, और आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाली है, तो ये घर पे हम आसान से बना सकते हैं, तो इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे। 3 मैंने यहाँ पे इलायची ली है, जिसे कूट लेंगे। अब कुछ मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिया है, और हम यहाँ पे लेंगे 1 पिंच के करीब फूड कलर। फूड कलर फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आप वाइट पेड़े चाहते हैं तो कलर मत यूज़ कीजिए। अगर आपको कलरफुल येल्लो कलर के पेड़े चाहिए तो आप जो है कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे। 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, तो गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम फ्रेंड्स गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरह से चला लेंगे। इसको फ्रेंड्स भुनने से क्या फ़ायदा है कि जैसे दूध पाउडर तो आपने बचपन में खाया ही होगा, बहुत लोगों ने खाया होगा, तो दूध पाउडर जो है मुंह में ऐसे चिपक जाता है। तो हम ये घी में इसे फ्राई करने से जो ये पाउडर है हमारे मुंह में नहीं चिपकेगा, तो इसे भुनने का यही फ़ायदा है। इसे हमने करीब 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा खिला खिला लग रहा होगा आपको। तो अब हम इसमें जो है गैस की फ्लेम फ्रेंड्स हमें मीडियम ही रखनी है, लो से मीडियम के बीच में ही रखनी है। पूरे प्रोसीजर में कंडेंस मिल्क डाल देंगे इसे, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चला लेंगे, जब तक ये पैन जो है हमारा इसके कॉर्नर्स छोड़ना शुरू ना कर दे। इलायची ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमें इसे 2 मिनट तक चला लिया, आप देख सकते हैं ये देखिए पैन जो है छोड़ने लग गया है, और आप देख सकते हैं स्पैचुला को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये हमारा मिश्रण जो है पेड़े बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप अगर पेड़े ना बना के बर्फी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे बना सकते हैं। इसे आप बर्फी बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, आपको जो पसंद है वो बना सकते हैं, या फिर आधे बर्फी और आधे पेड़े दोनों बना सकते हैं। तो पैन हमारा गर्म है फ्रेंड्स, तो इसे हम तो ये हमने इसे प्लेट में निकाल दिया है। तो इसके हम 2 भाग कर देंगे, क्योंकि हम आधे जो है येलो कलर के बनाएंगे और आधे हम वाइट ही रखेंगे। ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम पेड़े जो है हाथ से बना रहे हैं, तो हमारे हाथ जो है जलने नहीं चाहिए, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तो एक पोर्शन में हम जो है कलर मिक्स कर देंगे, इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। वाइट वाले को हमें टच भी नहीं करना है ना, उसमें भी जो है कलर आ जाएगा। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इनके थोड़े से हाथों को ग्रीस कर देंगे और फिर पेड़े बनाएंगे। और इसमें मैंने कलर अच्छे से मिक्स कर दिया है। वाइट ले लेंगे थोड़ा सा, इस तरह से आप बॉल ले लीजिए, बेस को मिक्स कर दीजिए, इस तरह से बॉल बनाइए, फिर इसे अच्छे से पेड़े का आकार दे दीजिए, फिर इसको बीच में से इस तरह से दबा दीजिए। अब आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो इस तरह से डाल दीजिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह से हम हमारे सारे पेड़े जो हैं बना के रख देंगे। तो ये देखिए ये हमने वाइट है पेड़े बना रखे हैं पूरे, आप देख सकते हैं। और इस पे मैंने कुछ काजू, कुछ बादाम और पिस्ता
और किशमिश, तीनों चारों ड्राई फ्रूट डाले हैं, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे, हमारे कलर वाले पेड़े बना देंगे। इसे बिल्कुल ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, जिससे कि आपके हाथ ना जले, उस हिसाब से आपको दोनों हाथों के बीच में इसे बनाइए। और इस पर हम जो है ये काजू रख देंगे। आप जैसे कि मैंने बोला फ्रेंड्स, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डालिए, मैंने मिक्स में डाला है, अगर देंगे और फिर इसको हम इसमें काजू को बिठा देंगे। तो इसी तरह हमने येलो कलर के पेड़े भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारे दूध पेड़े बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही कम समय, कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही सरल तरीके से हमने ये पेड़े बना के तैयार कर लिए। तो मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।